बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि केपीके बोर्ड की तरफ से और फेडरल बोर्ड की तरफ से रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और जो प्रमोशन पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, यानी तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक इन्होंने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पंजाब बोर्ड की तरफ से सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट की डेट 30 सितंबर बताई गई थी, जबकि टेंथ क्लास के रिज़ल्ट की डेट 16 अक्टूबर को बताई गई है। याद रहे कि पहले सेकेंड ईयर रिज़ल्ट की डेट जो है वो 1 सितंबर बताई गई थी, उसके बाद 30 सितंबर कर दी गई। और अब मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की तरफ से ये खबर दी जा रही है कि 30 सितंबर को रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होने जा रहा, जबकि मज़ीद इसके अंदर डिले आ गया है और कुछ देर बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा और फाइनल डेट जो है वो नहीं बताई गई। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये खबर सच्ची है, यानी रियल है या फेक है, और उसके हवाले से मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूँगा कि नोटिफिकेशन में क्या मैंशन है। देखें, पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरपर्सन की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर यह मैंशन है कि पंजाब भर में इंटरमीडिएट और सेकेंडरी स्कूल सालाना इम्तहानात 2021 के नतज का ऐलान प्रमोशन पॉलिसी कोविड-19 की काबीना से मंजूरी के बाद किया जाएगा। यानी कि जो भी रिज़ल्ट है इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का, वो जो प्रमोशन पॉलिसी जारी की थी इन्होंने, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को 5% मार्क्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, और इसके अलावा जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। ये प्रमोशन पॉलिसी जो है वो काबीना की तरफ से अभी तक मंजूर नहीं हुई, तो कहा ये जा रहा है कि इनकी मंजूरी के बाद हम रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे। यानी पंजाब के, मतलब ये ऐसी सूरत हाल है कि इसमें पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उनको अभी तक मंजूरी नहीं मिली, जबकि फेडरल बोर्ड और केपीके की तरफ से बाकायदा तौर पर रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है और प्रमोशन पॉलिसी को ही फॉलो किया गया है, लेकिन पंजाब के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई। वो कह रहे हैं कि अब भी तक हमें मंजूरी नहीं मिली, और आगे मेंशन है कि नतीजे के ऐलान का हतमी तवारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, यानी वो अभी भी कोई डेट नहीं बता रहे कि रिज़ल्ट कब आना है। तो ये आपके सामने मैंने एक नोटिफिकेशन आपको दिखाया है जो कि PBCC की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, और अभी तक इसमें फ़ाइनल डेट नहीं बताई गई कि सेकेंड ईयर और टेंथ क्लास का रिज़ल्ट कब आएगा। नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट तो बाद की बात है, अभी सेकेंड ईयर के ही रिज़ल्ट की डेट फाइनल नहीं आ रही। और ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी किया है, इसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये भी फ़ाइनल है या नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट से 2 दिन पहले ही इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया कि रिज़ल्ट जो है वो 30 सितंबर को नहीं अनाउंस हो रहा। तो इनका कुछ पता नहीं है कि ये एक दिन पहले भी कह सकते हैं कि अब हम कल रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे। तो उम्मीद है कि जो भी होगा स्टूडेंट्स के हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके हक़ में बेहतर करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।